हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज फिर से मैं ब्रेड से ऐसे तीन शानदार नाश्ते लेके आई हूँ जो झटपट बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए चलते हैं इन नाश्तों के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ही वीडियो में तीन रेसिपी, और वो भी इतनी आसान और झटपट बनने वाली। चाहे आप बच्चों के लंच बॉक्स में रखें या फिर आप बड़ों के लंच में रखें, बहुत ही आसानी से आराम से बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने चार ब्रेड लिए, उसको मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में या इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इन चारों ब्रेडों को हमें इसी तरह से कट करना है और उसके बाद में इसको हमें रखना है साइड में। तो देखिए, मैंने फ्रेंड्स सभी ब्रेड्स को कट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर। इसे तो हम रख देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, ध्यान से देखिए, स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने लिए है एक कटोरी बेसन। अब इसके अंदर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर है 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच ही मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों को डालने के बाद में मैंने इसमें लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, वो भी मैंने कम ही लिया है। और साथ ही में हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। इन सबको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब डालेंगे अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब हरा धनिया, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, उसे डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें और इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करेंगे। अब कितना लिक्विड करना है वो आप देखते जाइए, मैं आपको बता दूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। तो इसे आप अच्छे से कंटिन्यू चलाते रहें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से हमें इसको लिक्विड करना है। तो ये लिक्विड हो चुका है। तो चलिए अभी हम जो हमारी ब्रेड को कट किया था उसे भी निकाल लेते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया और जो बैटर हमने बनाया था वो मैंने इस पर डाल दिया है। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस बैटर को हल्का सा शेप देना है गोल शेप में, और ज़्यादा भी नहीं फैलाना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बना दिया है पूरी तरह से। यहाँ गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है आपको। अब जो ब्रेड के पीसेस थे वो हमने इसके अंदर सेट कर दिए हैं, यानी कि 1/1 करके मैंने सारी पीसेस को इसके ऊपर इस तरह से सेट कर दिया है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा नाश्ता है जो आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो इसे ज़रूर बना करके ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। और इसके अंदर आपको ब्रेड का और जो है चीले का दोनों का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं चीला ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ये देखिए, मैंने ब्रेड के ऊपर बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, बारीक कटे हुए ही मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, और अच्छे से डाल सकते हैं आपको। और इसके ऊपर भी मैंने डाल दिया है हरी मिर्च, और ये जो पेस्ट और बचा हुआ था उसे मैं इससे कवर कर दूँगी। और इस तरह से इसको चारों तरफ से सेट कर दिया है मैंने। अब आप देख सकते हैं, इसको हमें पलटना है, तो उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी और फिर इसे हम पलट देंगे। अब इसे मैंने पलटा कैसे है तो मैं आपको बता देती हूँ इसके पलटने का भी तरीका। एक बार नीचे से भी थोड़ा सा सीख जाना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर लगानी है एक प्लेट, और इस प्लेट को लगा करके आपको तवे को उल्टा करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ प्लेट रखी है इसके ऊपर, और इस तरह से पकड़ते हुए मैंने इसको उल्टा कर लिया है। और गैस के ऊपर वापस से तवा हमें रखना है, और इसे प्लेट से वापस तवे के ऊपर सेट करना है। इस तरह से आप इसे बनाएं, और इस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से बनके रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे से सीख जाएगा, और एक बार दोनों तरफ से सीख जाता है तो आराम से आप पलटे से इसको पलट सकते हैं, फिर आपको प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, पक भी बहुत अच्छे से गया है। और अगर आप चाहें तो इसमें वेजेस अपनी पसंद से और भी डाल सकते हैं। और चलिए इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट के अंदर। तो ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, और इसी तरह से अब हम इसको करेंगे पिज्ज़ा की शेप में कट। और पिज़्ज़ा की शेप में कट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना शानदार बन के रेडी हुआ है। इसके अंदर आपको चीले का और पिज़्ज़ा का दोनों का टेस्ट आएगा। तो ये हमारी रेसिपी बहुत ही आसान है, और इसे सभी बहुत पसंद करेंगे, बहुत अच्छे से खाएंगे। आप इसे अगर लंच में भी रखते हैं बच्चों के में, तो लंच वापस नहीं आएगा आपका, पूरा फिनिश करके ही लाएंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको कट कर दिया है, और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा, अंदर से भी इसकी सिकाई हो चुकी है। ये देखिए, इसको निकालते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर से एक एक पीस ब्रेड का रखा हुआ है, इसमें वेजेस भरी हुई है। बहुत ही शानदार और टेस्टी नाश्ता हमारा बनके रेडी हो चुका है फ्रेंड्स।
तो चलिए इसको हम सर्व करेंगे दही के साथ, क्योंकि सॉस के साथ और चटनियों के साथ तो इसको सर्व करेंगे ना। तो इसके अंदर ऑलरेडी इतनी वेजेस भरी हुई है, तो बच्चों को क्या है अब दही के साथ खाना पसंद आता है। आपको जो अगर सॉस अच्छा लगता है तो आप इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर यहाँ बच्चों को दही के साथ इसको खाना पसंद है, तो मैं इसे दही के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी पहली रेसिपी तो बनके रेडी हो चुकी है, चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी पर। तो चलिए फ्रेंड्स इसे इंजॉय करें। यहाँ पर भी मैंने ली है 4 ब्रेड। तो आज मैं जो नाश्ते बनाने वाली हूँ सारे ही ब्रेड से ही बनाने वाली हूँ और कुछ अलग हटके बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपने ब्रेड पिज्ज़ा, ब्रेड से बने हुए सैंडविच, कटलेट सब बहुत अच्छे से खाए होंगे। आज मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बनाना बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड को रफली चॉप कर लिया है। अभी मैंने यहाँ चॉपर लिया है जिसके अंदर मैंने शिमला मिर्च को और हरी मिर्च उसको कट करके डाल दिया है और इसे चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाती है इसमें। तो फ्रेंड्स आप भी इसका यूज़ करें और मुझे कमेंट करें कि आपको ये चॉपर कैसा लगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी चॉप किए थे उन सभी को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद में मैंने प्याज लिए हैं, प्याज को भी मैं इसी तरह से चॉप कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छे से बिल्कुल महीन चॉप हो जाते हैं इसमें, तो आपके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। तो चलिए ये प्याज भी मैंने बारीक कट कर लिए हैं, चॉप कर लिया है इसमें। अब इसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बारीक चॉप हो गया है इसे। इसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया है बारीक कटे हुए टमाटर, उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं एक कच्चा आलू, जिसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये देखिए मैंने इसको बॉयल नहीं किया है, बारीक इसको कच्चा ही डाला है आलू को, वो भी रफली चॉप किया है इस तरह से बिल्कुल, और इस चॉपर में डाल के इसको बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने हरे धनिए को भी इसी में चॉप किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सारी वेजेस चॉप हो रही है इसमें, कट रही हैं। और इन सब को डालने के बाद में इनको हम मिक्स करेंगे कुछ मसाले ऐड करने के बाद। यहाँ मैंने मटर भी लिए है जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी मटर का यूज़ किया, आप देख सकते हैं बॉयल है ये पूरी तरह से, और इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी कुछ मसाले और डालेंगे। तो यहाँ आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही मैंने लिए है लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल दिया है नमक। इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें और मसाले भी आप डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर नींबू का रस भी ऐड करने वाली हूँ, उसी से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है और उसे डाल दिया है। इसके बीज निकाल दे वरना इसमें मिक्स हो जाएंगे। मैंने भी इसमें बीज डाल दिए, मैं निकाल देती हूँ सभी को। और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करना है सारे मसाले को ब्रेड के अंदर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिर्फ 4 ब्रेड का यूज़ किया है मैंने, उसी से इतना अच्छा वेजेस भरा हुआ हमारा नाश्ता बनके रेडी होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप कंटिन्यू रहें, वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हाथों में थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे और इसको लेकर के हाथों में इस तरह से गोल शेप या आपको जो भी शेप आपको देनी हो इस तरह की शेप आप दे सकते हैं। मैं इसको हल्की सी लंबी शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारे वेजेस भरे हुए कटलेट भी कुछ इस तरह के बहुत ही शानदार बन के रेडी हो चुके हैं। इनको इसी तरह से सारे ही कटलेट्स मैं बना लूँगी। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको बनाएं ताकि ये जो है डो आपके हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और आपको इसमें लगता है कि थोड़ा सा लिक्विड है ये, क्योंकि मैंने वेजेस बहुत सारी डाली है, और अगर लिक्विड में लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड कर लें, उससे वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, जितनी मैंने क्वांटिटी में वेजेस इसमें डाली है और सिर्फ 4 ब्रेड ली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मैंने इसमें ऐड किया अलग से। और इसी के अंदर ये कटलेट्स बन चुके हैं। तो ये देखिए मैंने सारे कटलेट्स बना करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो ये देखिए कितने अच्छे वेजेस भरे हुए हमारे कटलेट रेडी है। अब यहाँ मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है, उसे गरम कर लिया है, और गर्मा गर्म ऑयल के अंदर अब हम इसे फ्राई करने वाले हैं। हाँ एक और ख़ास बात, अगर आप चाहते हैं तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा ये, और ये ऊपर से इतना क्रिस्पी बनेगा और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी वेजेस है तो अंदर से सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से ये इसकी जो परत है बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने सारे कटलेट्स को
फ्राई किया है और इस समय हमें गैस का फ्लेम रखना है मीडियम, क्योंकि हाई फ्लेम कर देंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर तक इसमें थोड़ी सी वो आँच नहीं पहुँच पाएगी, तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा और अंदर तक ये अच्छे से सिक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना शानदार कलर आ चुका है और ये पूरी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं सभी को। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी है। और बाकी के बचे हुए कटलेट्स भी हम कुछ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके उन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं दूसरे जो बचे हुए कटलेट्स से उनको भी फ्राई कर लेती हूँ और इसमें एक भी पीस बाहर नहीं निकला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ ऑयल है, इसमें से बिल्कुल भी बिखरने का डर नहीं है क्योंकि इसकी बाइंडिंग के लिए हमने जो ब्रेड का यूज़ किया है उससे ये सेट हो चुके हैं। तो मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे और शानदार कटलेट्स बन के रेडी हो चुके हैं ब्रेड के। तो आप भी इसे इसी तरह से बनाएं और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको मैं ये तीन तरह की रेसिपी बता रही हूँ उनमें से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखिए मैं इसे सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, तो आप भी इसे इसी तरह से इंजॉय करें और सॉस के साथ, चटनी के साथ या दही के साथ, जिसके साथ आप पसंद करते हैं उसके साथ इसे सर्व करें। पर कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स कि ये कटलेट्स, ब्रेड वाले कटलेट्स आपको कैसे लगे। तो है ना फ्रेंड्स, ये दोनों रेसिपी बहुत इजी। इसी तरह से जो मैं तीसरी रेसिपी लेकर के आ रही हूँ वो भी बहुत इजी है और झटपट बनने वाली है, जिसे आप पहले ही प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं। इसमें सारी वेजेस आप पहले से तैयार रख सकते हैं और सुबह बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो ये देखिए, तीसरी रेसिपी के लिए भी मैंने चार ब्रेड का यूज़ किया है और अभी हमें क्या करना है, हमें एक एक ब्रेड लेनी है और किसी भी ढक्कन की सहायता से, छोटा छोटा ढक्कन है और उसकी सहायता से हमें इसके पीसेस कट कर लेने हैं। कुछ इस तरह से मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं और ये ढक्कन जो है इस तरह से खुलने वाला है, तो आपको इस तरह से प्रेस करके इधर से इसके गोल गोल शेप इसकी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक ब्रेड के अंदर से दो शेप बनाई हैं और इसी तरह से मैंने बाकी की ब्रेड को भी बना करके रेडी कर लिया है। और बाकी जो बचे हुए हमारी ब्रेड है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं ताकि किसी भी रेसिपी में हमारे वो काम आ सकती है, उसे स्टोर करके रखिए। अभी मैंने यहाँ पर तीन बॉयल आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं तीनों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसको मैश कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर फॉक से इसको मैश कर दिया। आप मैशर का यूज़ कर सकते हैं, हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है तीनों आलुओं को। अब इसके बाद में हम इसके अंदर कुछ मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल दिया है एक चम्मच चिली फ्लेक्स, तो मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। साथ ही में मैंने इसके अंदर लिया है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और जीरा, दोनों इसमें मिक्स है। उसके बाद में मैंने इसमें डाला है नींबू का रस और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे नमक। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा इसका। तो ये देखिए, बिल्कुल चौथाई चम्मच से भी कम मैंने रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डो जैसा लगा करके रेडी कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं तो ये आराम से मिक्स हो जाएंगे और एकदम सॉफ्ट सा, स्मूथ सा इसका जो है डो बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से मसाले या फिर कोई वेजेस डालना चाहें तो वेजेस भी डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ इसको आलू से ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब हमने जो ब्रेड के गोल गोल पीसेस कट किए थे वो लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक तो बना रही हूँ सादा वाला, कि अगर आपको चटनियाँ नहीं पसंद है तो आप इसे इस तरह से सादा भी बना सकते हैं। बाकी के जो पीसेस बनाऊंगी मैं दोनों चटनियों के साथ बनाऊंगी ताकि बहुत अच्छी लगेगी वो। तो अगर बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसे इस तरह बनाएं और अगर बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो जो मैं आगे बताती जा रही हूँ आप उस तरह से बनाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसकी टिकिया बना के रेडी करनी है। टिकिया बोले आप चाहे कुछ और बोले, मुझे नाम भी बताइएगा। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें लगाई है लहसुन की चटनी, इसे अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर। दूसरी साइड में मैंने लगाई है धनिया की चटनी, तो इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब इसके ऊपर हमें ये आलू की जो है मसाला, इसको लगाना। आप चाहे इसकी पहले टिकिया बना लें आलू की, फिर इसके ऊपर सेट कर दें, और या फिर आप इसे इसी तरह से सेट कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहें, मिनी पिज़्ज़ा नहीं,
तो मुझे आप इसका नाम ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि आप इसे क्या कहेंगे। मैं तो इसको मिनी ब्रेड पोटैटो बाइट्स कहूँगी, और आप इसे क्या कहेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तीनों रेसिपी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो चुकी है। अब इसे भी हमें गर्मा गर्म ऑयल के अंदर फ्राई करना है। मज़ेदार रेसिपी हमारी और चटपटी रेसिपी मैंने बना करके बताई है ब्रेड से ही। फ्रेंड्स ब्रेड हो ना घर में तो कितनी ही रेसिपी बन जाती है। और इस तरह से हमें इसको गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। और ये देखिए इसका कितना शानदार कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इन सबको। चलिए हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मिनी ब्रेड पोटैटो बाइट्स रेडी है। इस पर बहुत क्रिस्पी आवाज़ आ रही है और बहुत ही शानदार तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसे हम सर्व करने वाले हैं ग्रीन चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी बनाई हुई ये तीनों रेसिपी पसंद आएगी, और मुझे उम्मीद है आप मुझे कमेंट भी करेंगे कि आपको इन तीनों में से बेस्ट कौन सी वाली लगी है। और ब्रेड से बनने वाली रेसिपी अगर आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस रेसिपी को ज़रूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स एंजॉय करें।